हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग बात है किसान। और देख सकते हैं वेदर अच्छा ठीक है, और वेदर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। नहीं अरे चाने प्लीज ना, और वेदर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अभी टाइम हो रहा है लाइक 9 बजने वाला है, और था चांदनी का फास्टिंग। तो चांदनी सुबह सुबह उठी है, कितने बजे उठी थी चांदनी? 6:54 में उठे हम, मतलब 7 बजे। और देख सकते हैं पूरा नहा वहा के और मंदिर भी चली गई थी, और उसके बाद पूजा भी कर ली है मेरी प्यारी बहन। थैंक यू बहन। और इधर बेड ठीक कर दी है। अरे चांदनी ऐसा नहीं करो। और बस वही अब जा रही है पढ़ाई वढ़ाई करेगी, क्योंकि कल बिल्कुल कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ था। और यहाँ चंदा बैठी करेगी। कहाँ है चंदा? ओ और चंदा अभी जा रही है नहाने, ये लेट है। कोई बात नहीं, सो के थोड़ा लेट से उठी थी, तो सब वीकनेस तो हो ही जाता है ना, इसी वजह से। 9 बज गया है, 9 बजे अच्छी होता है दिमाग। और मम्मी भी नहा बहा के मस्त पूजा कर ली है और खा भी ली है। दही चूड़ा से पारण होता है गैस, इसीलिए। और यहाँ मम्मी बना रही है सब्जी, वेट आई सलू। देख सकते हैं ये बन रहा है सब्जी बिना लहसुन और प्याज के, मतलब कोई लहसुन और प्याज इसमें नहीं ऐड किया गया है। और मम्मी काफ़ी टेस्टी बनाती है। और आज मतलब कल फास्टिंग था, तो स्टार्टिंग में मम्मी सिर्फ स्टार्टिंग में दही चूड़ा ही खाया जाता है क्या? और कुछ नहीं खा सकते हैं? अच्छा, तो वही मम्मी कल दही जमाई थी, तो मम्मी और चांदनी खा चुकी है। चंदा तो अभी नहाएगी, पूजा करेगी, उसके बाद खाएगी। तो बस वही है। और मॉर्निंग तो जानते हैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, देख सकते हैं। कपड़ा डाल रही है चांदनी सूखने के लिए, क्या चांदनी? और आज से पढ़ाई स्टार्ट करेगी है ना? कल तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं किए थे ना, झूठ क्या बोल रही है। थोड़ा मोड़ा हाँ वही। और अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ ब्रश करने और कुछ फ्रूट्स खाऊंगी, क्योंकि मेरा तो फास्टिंग है नहीं, तो बस वही। जाओ ना नहाने। जा रही सो गाइज, ये चांदनी के रिक्वेस्ट पे सब्जी बना है, तो चांदनी सो एक्साइटेड टू ईट। और सब्जी चावल इसका फेवरेट है, आप लोगों को पता ही होगा। और अभी जा रही है टेस्ट करने। टेस्ट कर लो चांदनी, बताओ जरा कैसा। वैसे लग तो बहुत टेस्टी है। सबसे पहले हम खा रहे, देख लेना कम हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, खा रहे तब तक कम होगा। नहीं नहीं ज्यादा बोलेगी, जाके नहाना। ओ झगड़ा नहीं, चलो खा के बताओ। हे 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 हे, नमक देख लेना, नमक थोड़ा अच्छा होना चाहिए। यार रूममेट बने किचन में मैं खाना शुरू कर देती। कोई बात नहीं, एक्चुअली खाना किचन में खाना चाहिए। तू आज से किचन में भी खाएगी। बहुत सही, गरम है थोड़ा। हां चावल दे तुम्हारे लिए, क्या गरम तुम्हारे लिए, क्या देखो ना गरम थी एकदम। कल से ही रिक्वेस्ट कर रही थी कि मम्मी वो कल मतलब बहुत मीठा मीठा खा ली थी ना, तो बोल रही थी कि मम्मी कल वो सब्जी बनाना और चावल, राइट चांदनी? खोलो खा लो खा लो। सो गाइस अभी हो गई है शाम, देख सकते हैं। और अभी टाइम हो रहा है लाइक 7 बज रहा है, और कोचिंग से आने के बाद चंदा चांदनी सो गई थी और अभी बैठ के टीवी देख रही है। अभी जस्ट चालू किया, अभी जस्ट उठी है, और इसको बहुत ज़्यादा मच्छर काट लिया है ना चांदनी? कोई बात नहीं, तुम्हारा इधर इधर पूरा फूल गया है, देखो ना मच्छर। आज कुछ बन रहा है स्पेशल खाने में, तो आज बन रहा है एग रोल। बेसिकली काफ़ी दिनों बाद मैं नरकटियागंज में ही बनाई थी एग रोल, क्योंकि वहाँ पे सब्जी नॉन वेज क्या मिला दो, तो वहीं पे वहाँ पे सब्जी नॉन वेज का था, तो हम लोग किचन में ही बना लेते थे। तो लेकिन यहाँ थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बट इट्स ओके। तो फिलहाल मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, काफ़ी इजी है, तो आप लोग भी बना सकते हैं। तो दिखाती हूँ, मैं अभी भी कुछ कुछ प्रिपरेशन कर चुकी हूँ। वो यहाँ पे है बंदा गोभी जो मैं काटी हूँ, वेजिटेबल जो अंदर रहता है उसको फ्राई करने के लिए, तो इसमें जाएगा बंदा गोभी। और यहाँ मैं काटी हूँ शिमला मिर्च, मिर्ची है तीखा के लिए, यह है बीट रूट, और यह है गाजर जो मैं अभी काट रही हूँ, अभी कुछ बचा हुआ है। तो यही सब सब्जी जाता है, और प्याज काटना भी बाकी है। फ्राई करने जो अंतर फिल होता है एक रोल का, उसका तो देख सकते हैं सब चीज़ हो चुका है। तो आपको एक पैन गरम कर लेना है, उसमें तेल डाल लीजिए, मस्टर्ड ऑयल या आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और
इसको थोड़ा गर्म होने दीजिए, और जब ये गर्म हो जाए तब आपको डालना है मिर्ची। और जब मिर्ची आपका थोड़ा सा हो जाए तो आपको डालना है प्याज। आप अपने हिसाब से यहाँ पे वेजिटेबल डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है या जितना आपको क्वांटिटी बनाना है। तो मैं तो फिलहाल यहाँ पर 10 रोल बनाऊँगी, उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे एक बड़ा सा बंदा गोभी काटी हूँ, और एक बड़ा सा बीटरूट, 2-3 गाजर, और एक बड़ा सा शिमला मिर्च, और 2-3 बड़ा सा प्याज काटी हूँ। तो आप अपने हिसाब से काट सकते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा ब्राउन कर लीजिए प्याज को। सो गाइस, देख सकते हैं हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो चुका है। तो अब इसमें जाएगा गाजर और बीटरूट और शिमला मिर्च, और इसको थोड़ा देर फ्राई करेंगे, लाइक 1 मिनट एनफ है। सो हमारा गाजर और बीटरूट अच्छे से फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं। तो अब इसमें जाएगा बंदा गोभी, और सारा जो चीज़ आप वेजिटेबल फ्राई कीजिएगा उसको हाई फ्लेम पे आपको फ्राई करना, और इसमें नमक आपको अभी नहीं डालना है। बेसिकली इसमें आपको नमक डालना ही नहीं है, रोल में जब आप इसको डाल के फोल्ड कीजिएगा उस वक्त आपको नमक डालना है। नमक डालने से क्या होगा ना, इसमें पानी वानी निकलने लगेगा इसका, इसलिए तो तेज फ्लेम पे अच्छे से इसको भूख लीजिए। तो देख सकते हैं हमारा जो बंदा गोभी है वो थोड़ा गल चुका है। अब इसमें जाएगा मसाला, मसाला में जाएगा थोड़ा सा गोलकी क्रश किया हुआ, और थोड़ा सा जीरा पाउडर, और थोड़ा सा मीट मसाला, बस इतना ही। और बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट पकाना है इसको। मैगी मसाला ये सब है, तो अभी आप इसमें डाल सकते हैं, काफ़ी टेस्टी आता है इसका भी फ्लेवर। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सोया सॉस, काफ़ी अच्छा फ्लेवर ऐड करता है ये, और थोड़ा सा वाइट विनेगर, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। और सब्जी को बस मिक्स कर लीजिए, और हमारा जो एग रोल का फीलिंग है लाइक रेडी हो गया है, और काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है देख सकते हैं, और काफ़ी टेस्टी भी लग रहा है। बस आपको नमक नहीं डालना है इसमें, और ये हो चुका है। तो यहाँ पे बन रहा है रोटी, जो रोल होता है वो, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा है देख सकते हैं। तो मम्मी काफ़ी बड़ा और पतला रोटी बनाई है, और ये मैदे का रोटी है, मैदा है और हल्का सा आटा है ताकि थोड़ा हेल्दी हो जाए। और देख सकते हैं थोड़ा पतला होना चाहिए आपका, और थोड़ा बड़ा होना चाहिए कुछ इस तरीके का। तो बस हम लोग उधर जाके इसको सेकेंगे, क्योंकि हमारे किचन में नॉनवेज तो होता नहीं, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे सारा मैं तैयारी कर ली हूँ, प्याज वगैरह है, नींबू है जो चाहेगा उसमें, और उधर जाके बालकनी में मैं सेकूँगी। एग रोल का फाइनल जो स्टेज होता है वो होगा, तो बस वही। और मम्मी बना रही है रोटी यहाँ पे, तो जब सारा रोटी बन जाएगा तब हम लोग उधर जाएंगे इसको सेकने। और आप देख ही सकते हैं नॉनवेज खाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है हम लोग को। मम्मी हंस रही है क्योंकि पूजा वगैरह करती है ना मम्मी, छठ वगैरह, तो इसीलिए हम लोग भी सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, अब एडजस्ट हो ही रहा है तो कर लेते हैं हम लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं बनाने लाइक रोल। तो पहले आपको तवा को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद आपको डालना है रोटी। तवा गर्म है ना? हाँ, चलो डालो। और एक साइड आपको रोटी को पहले सिझा लेना है। भाई जब आपका रोटी एक साइड बहुत अच्छे से पक जाए, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, तब आपको डालना है दूसरे साइड तेल, क्योंकि ये जो रोटी है वो मतलब कच्चा रोटी है बिना पका हुआ, तो मैं इसी में पका रही हूँ। और जिस साइड पका हुआ है उस साइड आपको डालना है अंडा, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं 2-1, जितना आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप यहाँ पर रोल बना सकते हैं। और सारे जगह इसको अच्छे से फैला दीजिए, ताकि ये सारे जगह अच्छे से फैल जाए अंडा, और इसका टेस्ट भी चला जाए रोटी में। और फ्लेम को आपको कम रखना है, और नीचे से चेक करते रहना है ताकि रोटी जले नहीं। और बस आपको जब लगे कि नीचे पक गया है तो इसको आपको पलट देना है वापस से,
दूसरे साइड, ताकि अंडा जो है ऊपर का वो भी अच्छे से पक जाए। तो आराम से आपको पलटना है। पहली बार अगर आप बनाइएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन फिर बनाते बनाते आदत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ हल्का सा तेल कम लग रहा है तो मैं डाल रही हूँ, तो अगर आपको थोड़ा कम तेल पसंद है तो थोड़ा कम भी आप डाल सकते हैं। और दोनों तरफ अच्छे से सेक लीजिए अंडा, और इस साइड दोनों साइड। सो देख सकते हैं हमारा जो रोल है वो अच्छे से पक चुका है दोनों साइड। तो मैं इसमें डाल रही हूँ वेजिटेबल, आप इसको निकाल भी सकते हैं कुछ कोई थाली में या प्लेट में, और उसके बाद इसमें डाल सकते हैं। तो ये जो वेजिटेबल मैं फ्राई की थी वो है, और यहाँ पे कच्चा प्याज मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, और नींबू का रस, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। और मेरा और थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए, क्योंकि हम लोग कहीं भी नमक नहीं यूज़ किए हैं, ना वेजिटेबल में ना ये में। और नीचे भी मेरा हो गया, तो अब मैं इसको थोड़ा प्लेट में निकाल लूँगी। और इसमें दो चीज़ अभी और डालना बाकी है, तो दूसरा चीज़ जो जाएगा इसमें वो है टमाटो सॉस। टमाटो सॉस, और यहाँ पे आप चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ टमाटो सॉस यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट में आपको डालना है थोड़ा सा चाट मसाला। तो सबको इस तरीके से करके, और उसके बाद आपको इसको रोल कर देना है, और आप पेपर में भी रोल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग घर पे खा रहे हैं तो बेसिकली हम लोग ऐसे ही नॉर्मल रोल करके और प्लेट में लेके खाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारा जो रोल है वो बन चुका है, देख सकते हैं। तो कैसा लग रहा है खा के एग रोल? बहुत अच्छा एग रोल, मतलब क्या क्या का स्वाद आ रहा है। अंडा खा रहा है ना, वेजिटेबल का क्या कर रही है? ओहो, वेजिटेबल का पूरा संस्कारी की तरह खा रही हो तो नहीं तुम संस्कारी। तो चंदा बताओ कैसे, तो चंदा थाली क्यों खा ली है? चंदा तुमको खा एग रोल पसंद है? अरे कैसा बनाई तो बता दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये बहुत बहुत अच्छा। चंदा क्या मम्मी कुछ बोल रही है, बोलो तो। उसका मुंह भरा हुआ है, कैसे बोले? ओ मुंह भरा हुआ, रुक दे देखते हैं। अच्छा मुंह भरा हुआ, चंदा आ करो तो। सो चंदा चांदी का रिव्यू थोड़ा ले लेते हैं, कैसा बना? रिव्यू हम करवा दिए हैं। करवा दिए एग रोल का ना? हाँ हम ही तो बनाए वीडियो। सो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, और एग रोल ट्राई करके देखिएगा आप लोगों को, जरूर आई मीन बना के और खा के बताइएगा कैसा बना है कमेंट सेक्शन में। सो गाइज दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय, टेक केयर एंड एंजॉय। देख सकते